एक 6 साल की मासूम को पहले घर से अगवा किया गया, फिर उस बच्ची का रेप किया गया और उसके बाद बच्चे की आंखें फोड़ दी गई ताकि वो आरोपी को पहचान न पाए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मासूम से दरिंदगी करने वाले इस आरोपी सचिन सेन को पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। गांव के 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के बाद हुई पूछताछ में आरोपी सामने आया। दरअसल बुधवार शाम 7 बजे के करीब हुई इस दरिंदगी की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आसपास पता करने पर गांव के किसी भी व्यक्ति के बाहर नहीं होने की जानकारी हाथ लगी। फिर पुलिस ने गांव में ही संदिग्धों की तलाश की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ करने के बाद 21 वर्षीय आरोपी सामने आ गया और अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि उसने 5 रुपए का लालच दिया और मासूम को सुनसान घर में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बता दें कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मासूम को भी होश आने की खबर है। इसके बाद लोगों ने मासूम की सलामती की दुआएं करना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी चर्चा के दौरान आरोपियों के पकड़े जाने की बात कही थी, साथ ही आरोपियों के विरुद्ध सख्ती बरतने की बात भी कही थी। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित बाकी नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, अब जिले भर में इस दरिंदगी को लेकर आक्रोश है और अब आरोपी को जल्द फांसी देने की मांग उठने लगी है। न्यूज़ डेस्क।